शी जिनपिंग ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं और इसके पीछे तीन वजहें बताई जा रही हैं। पहली भारत, दूसरी ताइवान और तीसरी अमेरिका। भारत और ताइवान से तो चीन लगातार बॉर्डर पर मार खा रहा है, लेकिन अमेरिका से डरने की वजह है 25 जनवरी का वो कांड। जी हाँ, बीते साल 25 जनवरी को अमेरिका ने चीन को एक जंगी साजिश में उलझा दिया था। अब सवाल है कि फरवरी के महीने में चीन को बीते साल की जनवरी क्यों याद आ रही है, तो देखिए ये रिपोर्ट। जंग पर अड़ा लाल सुल्तान, ड्रैगन को दो तरफा नुकसान, चीनी सेना की छुट्टी रद्द, आ गया वॉर का वार। दिल्ली के साथ वॉशिंगटन, इस बार कंफर्म ड्रैगन दहन। एलएसी से एक बिग ब्रेकिंग आई और वो ये है कि शी जिनपिंग ने चाइनीज न्यू ईयर के मौके पर पड़ने वाली छुट्टियों को रद्द करके सेना को जंग के मोर्चे पर हाइपर एक्टिव रहने का आदेश जारी कर दिया है। 12 फरवरी को चाइनीज कैलेंडर का पहला दिन, यानी इस दिन चीन में न्यू ईयर दस्तक देगा। चीन में ये सबसे बड़े त्योहारों में से एक है, लेकिन खुशी के इस दिन को भी सुल्तान ने जंग के नाम कर दिया। सूत्रों के मुताबिक शी जिनपिंग ने यह फैसला भारत और ताइवान के आक्रामक रुख को देखते हुए लिया है। सुरक्षा एजेंसियों को ऐसे इनपुट भी मिले हैं कि चीनी सेना एलएसी पर बड़ी तादाद में हथियार जमा कर रही है। खुफिया इनपुट्स के मुताबिक पीपल लिबरेशन आर्मी की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन ने एलएसी पर तैनात चीनी सैनिकों को पूर्वी लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जंगी तैयारियों को तेज करने के आदेश दे दिए। यह आदेश मिलने के साथ ही पीएलए के सैनिक जंगी साजो सामान को इकट्ठा करना शुरू कर चुके हैं। साथ ही खबर यह भी है कि चीन ने पैंगयोंग सो के फिंगर एरिया में फिर से तनाव बढ़ाना शुरू कर दिया। एलएसी पर पहले से ही ड्रैगन आर्मी ने हथियारों की खेप जमा कर रखी है, लेकिन हाल के दिनों में वहां आर्टिलरी गन, हॉविट्ज़र तोप और सरफेस टू एयर मिसाइलों की नई यूनिट्स तैनात की गई। ये साफ संकेत है कि दुश्मन की नीयत शांति की नहीं। अब चीन के खौफ का दूसरा पहलू भी जान लीजिए। पिछले साल चीनी कैलेंडर का पहला दिन 25 जनवरी को था और इस दिन अमेरिका ने अपना कॉम्बैट नेवी शिप यूएसएस मॉन्टगोमरी को साउथ चाइना सी में उतारकर सनसनी फैला दी थी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।